नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी शुक्ला। खबर अमेठी से है। पीड़ित महिला अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पहुंची रामगंज पुलिस चौकी। पीड़ित महिला को मिल रही है बार बार उसके बच्चे को उठा लेने की धमकी। पुलिस ने नहीं की अब तक कोई कार्यवाही। मामला अमेठी जनपद के रामगंज पुलिस चौकी का है, जहां पीड़ित महिला निशा जायसवाल अपने पति और 3 वर्षीय बच्चे के साथ रहती है। महिला का परिवार बहुत ही गरीबी से गुजर बसर कर रहा है। ऐसे में पीड़ित महिला ने बताया कि उन्हीं के रिश्ते में बहन का बेटा है, जो आए दिन उनके बच्चे को उठाकर ले जाने की और मारने की धमकी देता है और रुपए की मांग करता है। ऐसे में पीड़ित महिला ने रामगंज पुलिस चौकी पर शिकायती पत्र देकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए पिछले 3 दिनों से लगातार चक्कर काट रही है, जबकि पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने से महिला और उसके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे की सुरक्षा और न्याय के लिए दर दर भटकने पर वह मजबूर है। मध्यांचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ अमेठी से अनिल दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, कहाँ घर है, क्या है पूरा मामला बताएं। मेरा नाम निशा जायसवाल है, मेरा घर रामगंज रायपुर जिला अमेठी निवासी हूँ। मामला ये है, सौरभ सिंह नाम का लड़का है मेरी बहन का, उसने मुझे फोन पे धमकी दी मेरे बच्चे को उठाने की और जान से मारने की। 17 तारीख को करीब शाम को दो अज्ञात व्यक्ति और एक महिला मेरा पीछा कर रहे थे। मैं मार्केट में गई थी घर का सामान लेने, उसके बाद मैंने सूचना दुकानदार को भी दी और पति को भी अपने बताई। घर आने के बाद मेरे फोन पे धमकी भरा फोन आने लगा, उसके मैंने 10 घंटे पे कंप्लेन किया और उसके बाद जो है मैंने दूसरे दिन जाके FIR एप्लीकेशन डाली अपने निकट थाना में रामगंज चौकी में। जो लड़का है उसका नाम है सौरभ सिंह प्रिंसी, उनके पिताजी स्वर्गीय मनोज कुमार सिंह वो जो थे बदमाश थे। ये लड़का भी नाबालिग में एक लड़के की हत्या करके नाबालिग में जेल गया था। वो आए दिन साल भर में 4 बार मुझे फोन करके धमकी दे चुका है मेरे बच्चे को उठा। अब वो लूटपाट करता है, अभी उनकी वो आपराधिक रूप का व्यक्ति है। मुझे उससे डर लगता है क्योंकि मेरा 3 साल का बच्चा है। तो अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने ये एप्लीकेशन जो है अपने चौकी में निकट दिया था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उसका घर जो है भट्टीपुर कुटवा थाना द्वारकागंज। वो आपके बच्चे को क्यों मारना चाहता है? वो सिर्फ पैसे के लिए मारना चाहता है, उसको पैसे की जरूरत है, जरूरत रहती है। अभी उनकी माताजी के अकाउंट में 30-35 लाख रुपए हैं, 50 लाख का उसने घर बनवाया। छोटे भाई को भी उसका बॉम्बे में रहता है, नौकरी करता है, कितना पाता है कितना नहीं। इतने में मैं इस बात से हैरत में हूँ कि उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और दूसरा नंबर जो है वो चाहते हैं कि वो आए दिन हमको धमकी देते हैं, तुम्हारे बच्चे का प्राण कर लेंगे, इतना दे दो उतना दे दो, पैसा ही मांगता रहता है।